हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक कामयाब निर्देशक और निर्माता भी हैं। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 11 फिल्मफेयर अवार्ड जीतने वाली राज कपूर की 2 फिल्मों ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाई थी। राज कपूर की परवरिश और उन्हें स्टार बनाने में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर का बहुत बड़ा हाथ था। राज कपूर के करियर की शुरुआत एक थप्पड़ से हुई थी। बॉबी टॉकीज के संस्थापक राज नारायण दुबे के पोते अभय कुमार ने बीबीसी से कहा था, मेरे दादाजी कहते थे बॉम्बे टॉकीज में जिसने भी थप्पड़ खाया उसे सफलता मिली। राज कपूर को भी थप्पड़ पड़ा। राज कपूर फिल्म ज्वारभाटा की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया था केदार शर्मा उस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जब वो शूट पर क्लैप करके शूट शुरू करने के लिए बोलते थे तब तब राज कपूर कैमरा के सामने आकर बाल ठीक करने लग जाया करते थे। 2-3 बार देखने के बाद केदार शर्मा ने उन्हें एक थप्पड़ लगा दिया। फिर उन्हीं केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल में राज कपूर को मधुबाला के साथ लिया। उस थप्पड़ ने राज कपूर की किस्मत ही बदल कर रख दी। राज कपूर के बारे में एक और कहानी मशहूर है कि वो कभी बिस्तर पर नहीं सोते थे, हमेशा जमीन पर सोते थे। उनकी बेटी रितु नंदा ने बीबीसी को बताया था, राज कपूर जिस भी होटल में ठहरते थे उसकी पलंग का गद्दा खींच कर जमीन पर बिछा लेते थे। इसकी वजह से वो कई बार मुसीबतों में फंसे। लंदन के मशहूर हिल्टन होटल में जब उन्होंने ये हरकत की तो होटल के प्रबंधकों ने उन्हें चेताया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा वही काम किया तो उन्होंने उन पर जुर्माना लगा दिया। वो 5 दिन उस होटल में रहे और उन्होंने खुशी खुशी पलंग का गद्दा जमीन पर खींचने के लिए रोज जुर्माना दिया। '88 में राज कपूर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वो सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में पुरस्कार लेने पहुंचे तो उन्हें दमे का दौरा पड़ा। राष्ट्रपति वेंकटरमन सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मंच से खुद नीचे उतरकर आए और उन्होंने राज कपूर को सम्मानित किया। राज कपूर को वहां से दिल्ली के एम्स अस्पताल में ले जाया गया जहां वो कोमा में चले गए और 2 जून 1988 को रात 9 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।